हेलो फ्रेंड्स, कुक विद रजनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली वो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बन के तैयार होगी और मुझे उम्मीद है कि आपको वो ज़रूर पसंद आएगी। आज हम ये रेसिपी जो बना रहे हैं बिना मैदा, बिना अंडे और बिना चीनी के केक बहुत ही टेस्टी बन के हमारा तैयार होगा, वो भी गुड़ और आटे से हम आज का केक बना के तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी केक है, इसे बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक के नीचे क्लिक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। केक बनाने से पहले हमें केक टिन को ग्रीस करके तैयार करना होगा। इसके लिए हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और उसको अच्छी तरह से चारों तरफ से ग्रीस कर देंगे। आज हम यहाँ पे बटर पेपर का यूज़ नहीं कर रहे हैं और थोड़ा सा आटा डाल के इसको चारों तरफ इस तरीके से डस्ट कर देंगे। इससे भी हमारा केक बहुत ही इजीली निकल जाएगा और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा केक टिन तैयार हो गया है बेक के लिए। आज हम केक कढ़ाई में बनाएंगे। इसके लिए मैंने गैस ऑन करके एक कढ़ाई ले ली है और उसमें ये नमक फैला दिया है। फ्रेंड्स, ये नमक मैंने पहले भी बेकिंग में यूज़ किया है। और एक स्टैंड रख देंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे हाई फ्लेम पे प्रीहीट करने के लिए रख देंगे। अब हम केक का बैटर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक बाउल ले लिया है और यहाँ पर लिया है मैंने एक कप गुड़, जिसको बारीक टुकड़ों में तोड़ लिया है। ऐड कर देंगे इसे। मीठा आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और आधा कप ऑयल इसे भी डाल दूँगी। 1/4 कप दही, ये फ्रेश दही है फ्रेंड्स, खट्टा नहीं है। अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलने तक हमें मिक्स कर लेना है। बिल्कुल स्मूथ बैटर बना लेना है इसका, जब तक इसकी गुठलियाँ ख़त्म ना हो जाए। आप चाहे तो इसे ग्राइंडर में भी चला सकते हैं एक बार। ये हमने तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब डालेंगे एक चम्मच वेनिला एसेंस, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे केक के अंदर। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रेनर लेंगे और इसमें डालेंगे एक कप गेहूँ का आटा। सारे जो ड्राई इन्ग्रीडियंट्स हैं उन्हें हम छान लेंगे। फ्रेंड्स, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, इसे भी डाल देंगे और अच्छी तरह से इनको छान लेंगे। छानने से केक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारा केक बनके तैयार होता है। फ्रेंड्स, बेकिंग में ये बहुत ज़रूरी है। अब इनको धीरे धीरे सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से हमें सभी चीज़ों को मिक्स करना है फ्रेंड्स। और अब हम डालेंगे इसमें दूध। यहाँ पे आधा कप मैंने दूध लिया है, अगर आवश्यकता होगी तो मैं और भी दूध ऐड करूँगी इसमें। और हल्के हाथ से हमें इसे मिक्स करते जाना है। फ्रेंड्स, एक ही तरफ हमें इसे मिक्स करना है। बहुत ही हेल्दी ये केक हमारा बनके तैयार होगा फ्रेंड्स। ये बैटर हमारा तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें मैंने आधा कप दूध और लिया था, जिसमें 2 चम्मच के करीब दूध बच गया है। फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लेके रखे हुए हैं। ये मैंने काजू, पिस्ता, बादाम ले लिए थे और कुछ टूटी फ्रूटी, उसमें 1 चम्मच आटा मिला लिया था। फ्रेंड्स, अब मैं इसको इस केक में डाल दूँगी। फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो इवनली केक के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे, ऐसे नहीं कि केक के तली में बैठ जाए। अब हम इन्हें मिक्स कर देंगे। हमने सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब हम इस सारे बैटर को केक टिन में डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये हमने बैटर को डाल दिया है। अब एक से दो बार इसे टैप कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जिससे हमारा केक देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। ये कुछ मैंने सफ़ेद तिल ले लिए थे, इनको भी डाल देंगे, इससे हमारा केक और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है, आप डालें या फिर स्किप कर सकते हैं।
और इसको 40 से 50 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे बेक करेंगे। और बीच बीच में फ्रेंड्स इसे हम चेक करते रहेंगे। 35 मिनट हो गए हैं, हम अपना केक चेक कर लेते हैं टूथपिक की हेल्प से। देखिए हमारा टूथपिक बिल्कुल क्लीन आया है, हमारा केक बन गया है। अब मैं इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। इतने टाइम में अगर आपका केक जो टूथपिक है वो क्लीन नहीं आती है तो फ्रेंड्स आप 5 से 10 मिनट उसे और बेक कर सकते हैं। टाइम ऊपर नीचे हो सकता है तो आप टेंशन ना लें। केक हमारा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं एक नाइफ की हेल्प से। इसके एजेस को लूज़ कर लेते हैं फ्रेंड्स। कभी भी आपको गर्म केक को नहीं निकालना चाहिए फ्रेंड्स, नहीं वो टूट जाता है। अब हम एक प्लेट की हेल्प से, ये देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट स्पंजी हमारा केक बन के तैयार हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। मैं इसे इस तरीके से सीधा कर लूँगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा केक बन के तैयार हुआ है, वो भी बिना मैदा, बिना चीनी और बिना अंडे के। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट स्पंजी हमारा केक बन के तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कट करने से ही पता चल रहा है कि कितना सॉफ्ट स्पंजी हमारा केक बनके तैयार हुआ है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है ये केक। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट स्पंजी हमारा केक बनके तैयार हुआ है, और वो भी आटे और गुड़ से, ना इसमें कोई मैदा ना अंडा। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जाली पड़ी हुई है हमारे केक में। फ्रेंड्स आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।